शुक्रवार को दो अलग अलग हादसों में एक महिला समेत तीन बच्चों की आग से जलकर मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने झोपड़ी में आग लगने से तीन बच्चों और गन्ने के खेत में आग लगने से महिला की मौत के मामले में जांच शुरू कर दी है। बच्चों की दर्दनाक मौत से हर कोई गमजदा है। फरीदपुर थाना क्षेत्र के नवादा बिलसंडी गांव निवासी रामदास की झोपड़ी में शुक्रवार दोपहर अचानक आग लग गई। इसमें तीन बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में एक अन्य बच्ची भी झुलसी है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। झुलसी बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन और पड़ोस के लोग मौके पर दौड़े। उन्होंने बाल्टियों में पानी भरकर किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक चार बच्चे बुरी तरीके से जल चुके थे, जिसमें तीन बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। चौथी बच्ची को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं शेरगढ़ थाना क्षेत्र के नगरिया कला में खेत में शुक्रवार को किसी ने बीड़ी पीकर फेंक दी। इसकी चिंगारी से गन्ने के खेत में आग लग गई। इसका पता शशि देवी को चला तो आग बुझाने पहुंची। इस दौरान वह आग बुझाने के प्रयास में गंभीर रूप से झुलस गई। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। मृतका के पति मुन्ना लाल ने बताया कि आग बुझाने के दौरान मौत हो गई। तहसील फरीद के अंतर्गत थाना फरीदपुर है, उसके अंतर्गत नवादा बिलसुंडी नाम का गांव है। थोड़ी देर पहले हमें सूचना मिली कि यहाँ एक घर में आग लग गई, जिसमें चार बच्चे झुलस गए, तीन बच्चे मर गए। तो तत्काल में SSP साहब, CO, SDM और अन्य अधिकारी आए। आपने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे कच्चा घर था, नीचे पक्का घर है, उसके ऊपर मिट्टी का कच्चा घर था, फूस का, जिसमें एक तरफ भूसे भरे हुए थे। वहीं पे आग लगने से घर वाले कहीं और बाहर